चले और मौका है क्या गवाएंगे, माँ ही चलेंगे और एक बार फिर से और लगातार रोहित टच हो रहे हैं नेट में, तो वन लव किसान शुरुआत हो चुका है, खाता खुल चुका है ईश्वरपुर का। चलिए बेहतरीन सर्विस एक बार पुनः और फिर मौका गवाएंगे और जी हाँ लकी और फिर से एक बार मौका है नरेश के पास, क्या कर पाएंगे और अच्छा एसएमएस किए हैं और एक अंक और मिलेगा, एक बराबर के साथ। चलिए सर्विस अच्छा सर्विस देखने वाली बात है क्या होगा और देख चुनती हुई सर्विस है और देवेंद्र चले और जी हाँ एक बार फिर पुनः मौका है पीपल गोर के पारे में है और अपू सलीम और बेहतरीन अटैकिंग की है और ब्लॉक चेक और एक अंक और मिलेगा एच एस नेचर को 2-1 किसान। एक बार फिर अच्छा सर्विस और जी हाँ नब्बे तोले सर्विस है 3-1 के साथ पंकज नहीं जी हाँ नीलेश और एक पॉइंट और मिलेगा 2-3 के साथ। चलिए एक बार फिर पुनः मौका बनेगा ईश्वरपुर के और लकी चले हैं और लेने में असमर्थ, एक अंक और मिलेगा 3-3 किसान ईश्वरपुर और एच एस ने एक दूसरे की कमियों को जानते हैं। और चलिए एक बार फिर पुनः मौका है एच एस ने के बारी है और यहाँ और एक अंक और मिलेगा एच एस ने को 4-3 के साथ। चलिए सर्विस फोन है अच्छा सर्विस 90 तोले सर्विस है और फिर मौका है क्या होगा और एक अंक और मिलेगा 5-3 के साथ। बेहतरीन सर्विस अच्छा सर्विस और 90 तोले सर्विस है देवेंद्र चूके और जी एक बार फिर मौका है क्या होगा देखने वाली बात है, अभी भी तक कुछ नहीं हुआ और अच्छा स्मैच किए हैं नेश्वर जर्सी नंबर 7 और वहां पर डोज और लकी चले, क्या होगा देखने वाली बात है देवेंद्र है वहां पर और एक बार फिर मौका है पुनः सारिक के पास है और अच्छा स्मैच फिर से पुनः और अच्छा करारा स्मैच करते हैं और फिर से नीलेश के पास है और क्या होगा देखने वाली बात है सलीम चले हैं और एंड के सारे पार कर दिया है, मौका है ईश्वरपुर के पाले में और बेहतरीन स्मैच 4-5 किसान। और पंडित सर आपसे अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स में सहयोग करेंगे बेहतरीन स्मैच अच्छा इसमें करते हैं सालिम भी और यहाँ राहुल चले हैं और इस प्रकार से रोमांच भरी मैच 5-5 किसान। और अगर कोई इस प्रतियोगिता में कोई कमेंट्री करना चाहता है तो मैं चाहूंगा आपके लिए दरवाजा खुला है छह 5 किसान बेहतरीन मुकाबला एक बार फिर पुनः सालिक के पास है मौका और जी हाँ क्या होगा देखने वाली बात है राहुल चले और जी हाँ पट्टी में लगी बॉल रे सच्चे रास रे पॉइंट बताएंगे प्लीज पॉइंट बताएंगे प्लीज 7-6 जी हाँ 7-6 के साथ बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमें एक दूसरे से चित परिचित थी और जी हाँ एक अच्छा स्मैश एक बार पुनः मौका है 7-7 के साथ एक ऐसा मैच ये यही इस प्रतियोगिता में जो एक बहुत बड़ा रोमांचक मैच है एक दूसरे को कमियों को जानते हैं और देवेंद्र चले हैं बेहतरीन इस मैच सर किए हैं और एक बार फिर पुनः मौका है सारी के पास बेहतरीन अटैकिंग और ऐसे अटैकिंग के लिए तो जाने जाते हैं साली और फिर पुनः 8-7
किसान पुणे माही बेहतरीन एसएमएस किए हैं। फिर एक बार 8 बराबर किसान दोनों ही टीम एक दूसरे को बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। बेहतरीन दोनों ही टीम एक बधाई के पात्र हैं। और एक बार पुनः अनेश्वर चले और बेहतरीन एसएमएस किए हैं और वहां खाली स्थान है वहां पर सलीम है क्या कारीगर पे टीम के लिए और साली चले बेहतरीन एसएमएस किए हैं। फिर दोबारा मौका है लकी के पास नहीं रविंद्र है और सहारे वहीं पर और फिर मौका लकी के पास है और क्या होगा और पॉइंट मिलेगा सीधा ईश्वर को 9-8 के साथ। एक बार फिर लीड में ईश्वर को चलिए सर्विस अच्छा सर्विस बेहतरीन सर्विस है मौका है बेहतरीन एक बार देखने वाली बात है निले चले हैं और फिर से यहाँ राहुल नहीं लोगे चले और जी हाँ क्या होगा देखने वाली बात है फिर से लकी के लिए लेकिन फिर से जेस नजर के पास मौका है क्या होगा देखने वाली बात है वहाँ सलीम अली सालिम नहीं सालिम है और एक अच्छा स्मिस किए हैं। इस प्रकार से लगातार दोनों तरफ से शॉट की बरसात हो रहा है लग रहा है कि यहाँ 75 से 76 किलो का गोल दोनों तरफ से गिर रहा है दोनों ही टीम बनाई की बात है चलिए अच्छी सर्विस बेहतरीन सर्विस और फिर मौका है देवेंद्र जाने जाते हैं और निश्चित अब सलीम है वहां पर सालिक है गोर है नहीं यहाँ पर राहुल और सीधा सालिक का नजर और सीधा 10-9 चलिए मैं चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में सहयोग प्रदान करेंगे पंद्रह सर जहाँ कहीं भी आइए स्वागत है और एक बार फिर कौन है सर्विस यहाँ पर फिर मौका है लकी और जी हाँ साले को नहीं अपू यहाँ पर डोज के सहारे सीधा वहां पर एक छोटा खिलाड़ी और यहाँ पर सालिक है सालिक जो एक धमाकेदार शॉटर और फिर से पुनः सुशील और जी हाँ सालिक नहीं अबू सलीम क्या करेंगे ये तो अब नेट में पतझड़ के जैसे बरसात कर रही है तो सीधा पॉइंट मिलेगा इस वर्ग को 10 बराबर किसान चलिए सर्विस चलिए एक बार फिर पुणे सर्विस करने का मौका और जी हाँ शॉट मारने का मौका भी अनेश्वर के पास लेकिन 6 रन और पॉइंट मिला सीधा ईश्वरपुर को 11-10 के साथ। चलिए एक अंक और मिलेगा सालिक एक रीढ़ का हड्डी अगर मैं कहूँ तो सालिक ही है जेस नेथर में मैं बता दूं जानकारी के लिए और एक बार फिर से एक बार पुनः मौका है क्या होगा देखने वाली बात है लकी चले हैं और वहां पर एक खिलाड़ी लेकिन नहीं जी हाँ और पॉइंट मिलेगा सीधा जेस नेथर को 12-11 बेहतरीन मुकाबला दोनों टीम बधाई के पात्र एक दूसरे की कमी को जानते हैं बस जंगल ही बीच में नहीं तो एक गांव जैसा ईश्वरपुर और पीपर दोनों जी वहां पर सलीम है क्या कर पाएंगे देखने वाली बात एक बार फिर लकी है लकी नहीं माही है माही नहीं माही और माही 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 सीधा चला गया एच एस नेदर के पाले में और फिर पंकज जर्सी नंबर 5 नीलेश चलिए सर्विस 13-11 के साथ चलिए सर्विस करने के मौका फिर माही करेंगे क्या होगा बेहतरीन इसमें माही 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 मार दिया माही आज देखने वाली बात है क्रिकेट के ग्राउंड में छक्का तो आज अटैक लाइन के अंदर शॉट चलिए कोई बात नहीं माही और एक बार फिर पुनः मौका है क्या कर पाएंगे अपने टीम के लिए यहाँ लगता है मुझे एक उपहार में लाए हैं बेहतरीन चले हैं सालिक छा गए अब एच एस नेजर से बिलोंग करते हैं मैच हार हो या जीत हो लेकिन खेल का तो नमूना पेश किया है सालिक चलिए बेहतरीन 14-12 के साथ और नहीं जानते एक दूसरे के कमियों को जानते हैं ईश्वरपुर कीपर दोन एच एस नेजर लगा हुआ है और जी हाँ राहुल और सालिक तो आज बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं आज सुशील के लिए भी एक शॉट और जी हाँ माही चले और क्या होगा देखने वाली बात है नीलेश के पास है मौका और क्या होगा माही चलेंगे लोकेश चलेंगे लकी चलेंगे और माही आखिरकार बढ़ ही गया और पॉइंट मिला सीधा माही को 13-14 के साथ। एक दूसरे की कमियों को जानते हैं लंबे वर्षों से ताल्लुक है नेजर जी हाँ एच एस नेजर और इस ईश्वरपुर का बेहतरीन मुकाबला एक बार फिर सालिक चले और बेहतरीन अटैकिंग किया है फिर मौका है लकी के पास क्या होगा देखने वाली बात है एक बार फिर से लकी और सालिक चले हैं अच्छा मुकाबला चलता हुआ फिर से दोबारा क्या होगा देखने वाली बात है और जी हाँ और मैं ऐसे समय में मैं चाहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में साथ देने के लिए 15 सर आइए स्वागत है चलिए और एक बार फिर सर्विस
अच्छा सर्विस लगातार अच्छा सर्विस करते हैं। जी हाँ, वहाँ रोहित है, रोहित जो एक लंबे तक का खिलाड़ी है और एक इस प्रकार से दिनेश आ गए हैं और यहाँ खालिस्तान देख कर दिनेश इस चीज को जानते हैं। नीलेश जो शहर मसराम से इनका बहुत बड़ा ताल्लुक रखते हैं, नीलेश उनका तो रूप में और एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ धरातल इस थोड़ा गुजरा के धरातल में एक बार फिर पुनः मौका सालिक बेहतरीन का टैकिंग लेकिन ब्लॉक में और सीधा पॉइंट मिलेगा इस सोनपुर को। चलिए एक टाइम आउट के बाद एक गोल मिलेगा 14-16 के सामने, बेहतरीन मुकाबला, दोनों ही टीम बधाई के पात्र है। अब लंबे समय से इनका रैली चल रहा है और चलिए एक बार फिर पुनः मौका है किसके पास है, और जी हाँ नीलेश चले और फिर से राहुल और चेक आउट लेकिन नहीं और क्या होगा और पॉइंट मिलेगा सीधा चेस नहीं सर को और इस प्रकार से पॉइंट मिला है 17-14 के सामने, 17-14 के साथ एक बार फिर पुनः मौका है क्या होगा और जी हाँ माही लगता है नेट में और 18-14 के साथ एक बार फिर बदलाव हुआ है चेस नहीं सर में। और पॉइंट मिलेगा सीधा 15-18 के साथ और सीधा पॉइंट मिला है सीधा 16-18 के साथ। मैं चाहूंगा जो दर्शक हैं शांति बनाए रखेंगे, आप किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, नहीं तो समिति से आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, इस बात पे आप ध्यान देंगे मैं चाहूंगा। और ऐसे एम्पायर है वो नेशनल प्लेयर है, आप इस बात को नहीं जानते, अनुभवी एम्पायर है और इसके लिए मैं खेद। चलिए एक बार मैं समिति से चाहूंगा शांति बनाए रखें। एक बार फिर पुनः मौका है क्या होगा, देखने वाली बात है, लखी चले हैं क्या होगा, फिर से एक बार पुनः मौका है लखी के पास क्या होगा, देखने वाली बात है। और डॉज दोस्त के सहारे फिर से पार कर दिया, राहुल चले हैं बेहतरीन मुकाबला और जी हाँ फिर से बहुत लंबा रैली हो चुका है क्या होगा, देखने वाली बात है जस नहीं था। और जी हाँ 17-18 एक बार फिर पुणे मौका है सलीम के पास, नहीं सलीम है और जी है एक बार फिर से 18-18 किसान मौका फिर ईश्वरपुर लगातार अंकों में इजाफा हुआ है। चलिए एक बार फिर पुणे मौका है फिर से एक लंबे करारा शॉट देखने को मिला है 19-18 मारा और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ।